किसानों द्वारा लखीमपुर खीरी जनपद में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान घटी घटना के विरोध में गोंडा जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता व समर्थकों ने प्रदर्शन किया। किसानों के साथ हुई घटना में 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग जख्मी भी हैं। घटनास्थल पर जा रहे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नजरबंद किए जाने को लेकर जनपद में पार्टी के पदाधिकारी व नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के साथ ही पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायिका नंदिता शुक्ला, सूरज सिंह, मनोज चौबे समेत काफी संख्या में समर्थकों ने सड़क पर निकलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपाइयों को रोकने के लिए शहर को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। एडिशनल SP शिवराज, PSC बल व तमाम पुलिस बल मौजूद रहा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा जो काम किया गया, इससे जाहिर हो चुका है कि इस सरकार में गुंडे मवाली से उतना डर नहीं जितना पुलिस प्रशासन से है। जनपद के दुर्भाग्य है कि मंत्री अजय मिश्रा यहां के प्रभारी हैं। बढ़ती महंगाई, चिट्टा जानवर से त्रस्त किसानों की हत्या करके मौजूदा सरकार ने संदेश दिया कि 2022 के चुनाव में भाजपा का जमकर विरोध किया जाए। हत्या, निर्मम हत्या, लखीमपुर जनपद में आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी निर्मम हत्या भाजपा के सांसद और केंद्र में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा की गई है। निश्चित रूप से ये सरकार रक्षक नहीं भक्षक है। इस सरकार में गुंडे मवाली छोड़ दीजिए, पुलिस और प्रशासन गुंडा बना हुआ है। जिस तरह से विवेक तिवारी की हत्या की गई, जिस तरह से मनीष गुप्ता की हत्या की गई, जिस तरह से कल 8 किसानों की हत्या हुई है, सैकड़ों किसान घायल हुए हैं, मैं समझता हूँ ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी साबित हुई है। किसानों के मामले में किसान परेशान है, अपने खेतों की बाउंड्री करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, सिंचाई के लिए डीजल इतना महंगा हो गया है, परेशान है, चारों तरफ छुट्टा जानवरों का प्रकोप है। मैं समझता हूँ ये किसान 4.5 साल में किसान के हित की बात तो नहीं कर पाई, लेकिन जाते जाते किसानों की हत्या करके एक संदेश देकर गई है कि 2022 में हम लोग आपके बीच आएंगे तो हमको जूते से मार के यहाँ से भगा देना। ये संदेश देने का काम भाजपाइयों ने किया है। मैं समझता हूँ उस परिवार को, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, अपना पिता खोया है, जिस परिवार ने अपना भाई खोया है, उसको 2-2 करोड़ रुपये प्रति परिवार दिया जाए और निश्चित रूप से 2-2 करोड़ के साथ साथ उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए। और केंद्र के मंत्रिमंडल से अजय मिश्रा ट्रेनी जो हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं, मैं समझता हूँ हमारे जनपद दुर्भाग्यपूर्ण हमारी अवस्था है, दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग हैं कि हम लोग के जनपद का प्रभारी ऐसा है जिसका बेटा और वो खुद हत्यारा है। और सभी जितने भी साथी समाजवादी साथियों ने जिला अध्यक्ष पप्पू यादव जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी मैं आपसे कहूंगा कि आप सिर्फ ऐसे ही हम लोग को दिशा निर्देश दीजिएगा, नौजवानों की टीम आपके साथ पसीना बहेगा तो हम खून बहाने के लिए तैयार है। आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और यहाँ से लेकर लगभग 1 किलोमीटर तक हम लोग गए। पुलिस ने बहुत चाहा लेकिन समाजवादियों के आंदोलन के सामने, उनके हौसलों के सामने आज पुलिस पस्त हो गई और पुलिस ने रोकने का प्रयास तो किया लेकिन हम लोग रुके नहीं। जिला अध्यक्ष आगे आगे, समाजवादी पीछे पीछे और बिगुल फूंक दिया है। और निश्चित रूप से 2022 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, जो किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजलूमों, शोषितों के नेता हैं, जो अल्पसंख्यकों के नेता हैं, प्रबुद्ध वर्ग के नेता हैं, वो निश्चित रूप से इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए, तभी इस देश का, इस प्रदेश का किसानों का कल्याण होगा, व्यापारी का कल्याण होगा, गरीबों का, छात्रों का, नौजवानों, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा, जब इस देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनकर आए। सड़क भी जाम किया था, सड़क जाम की हम लोगों ने, हम लोग को चारों तरफ से हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन के लोगों से कि हत्या सपाइयों ने की है कि भाजपाइयों ने की है। आज भाजपाई खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोग के घर पे हाउस अरेस्ट किया गया, हम लोग बाउंड्री फांद करके आज कार्यालय पर पहुंचे हैं और आगे आंदोलन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत शानदार होने वाला है। और निश्चित रूप से 2022 में जब तक कसम खा के कहते हैं अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक समाजवादी बैठने वाला नहीं। लखीमपुर में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री के लड़के द्वारा और वहाँ के दबंग भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, कुछ शोधों द्वारा लखीमपुर में शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे किसानों को बर्बरतापूर्वक उनको गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की गई, कई लोगों को घायल किया गया, उसी संबंध में को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सुबह से ही उनके घर में नज़रबंद किया गया, उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी के विरुद्ध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को बर्खास्त करने की मांग किया है और लोकतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। सरकार जो है आतताई सरकार पूरी तरह बौखला गई है। क्या किया? हम लोगों ने धरना दिया, पुलिस हमको बहुत रोकने में कामयाब रही, मतलब रोकने का प्रयास की, लेकिन हमारे समाजवादी लोगों और जो है सूरज सिंह जी, मसूद खान साहब, योगेश भाई और हमारे सभी समाजवादी साथियों ने जबरदस्त मुकाबला करते हुए पूरे 1 किलोमीटर तक हम लोग जाम करने में कामयाब रहे।
क्या धक्का मुक्की भी कुछ हुई? खूब धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने जो है, अभी आप देख रहे हैं कि हम इतना दबाव हुआ है कि ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। धक्का मुक्की खूब हुई, लेकिन समाजवादी नौजवान के आगे पुलिस, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त हो, 302 का FIR लिखा जाए जो लोग किसानों को रोने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अजय मिश्रा उनको बर्खास्त किया जाए। ठीक है, सूरज, सूरज यारों लगा लेते हैं।